हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट में में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड नहीं हम बात करने वाले हैं कि रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में हारता क्यों है रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में पैसा क्यों नहीं बना पाता व्हाट इज द रीजन वाई रिटेल इन्वेस्टर इज नॉट मेकिंग मनी फ्रॉम द मार्केट ओके इसके पीछे का रीजन हम जानेंगे और इस रीजन को गाट बांध लीजिएगा अगर इस रीजन पे आपने ओवरकम कर लिया ना इस रीजन पे आपने अगर जीत पाली तो याद रखिएगा आप इतना पैसा मार्केट से कमाएंगे कि आप जो विश करते हैं ना कि मुझे इतना पैसा कमाना है तो आप उतना पैसा कमा पाएंगे जानेंगे उससे रिलेटेड बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर जो आपका चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए और जितना हो सके हमारी इस पर्टिकुलर मुहिम में कि हम जो अच्छा खासा पैसा मार्केट से कमाना चाहते हैं वन थाउजेंड करोड़ रुपीज वो मार्केट में हमारा अचीव हो सके उसमें शामिल हुई है उसके लिए सिंपल आप यहाँ पर हमें पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं एज वेल एज आप हमारी फाइनेंशियल सर्विस के साथ साथ यहाँ पर वीडियोज को जाके देखिए डेली वीडियो बनाई जाती है लास्ट तक वीडियो में बने रहा करे सीखा करे सीखने की कोशिश करे पैसा बनता हुआ नजर आएगा एक वीडियो आज के डेट में आ चुका है जो दो तक आपको करोड़पति बना

सबसे पहले यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या होती है कोई भी एक रिटेल इन्वेस्टर से उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम यहाँ पर शेयर को खरीदें ओके और वो शेयर तुरंत के तुरंत कहाँ चले जाए वो इतना पैसा कमा दे हमें वो चार चार गुना हो जाए वो पचास गुना हो जाए जैसे कि मार्केट में दिख रहा है कि तेईस सौ परसेंट के रिटर्न दे दिए पच्चीस सौ परसेंट के रिटर्न दे दिए उसके पीछे भागेंगे वो ना स्टडी करते हैं ना कुछ करते हैं सिंपल उन्हें केवल रिटर्न चाहिए होते हैं ओके वो देखते हैं टी देखते हैं वो अलग अलग चैनल्स देखते हैं वो अलग अलग न्यूज़ देखते हैं ओके उन्हें फॉलो करते हैं और वो यहाँ पर एक टाइम के लिए हो सकता है कि अच्छा रिटर्न कमा ले बट इस तरीके से लंबा डिस्टेंस नहीं तय की जा सकती और जब तक लंबी डिस्टेंस नहीं तय करोगे तो अच्छा खासा पैसा नहीं बना पाओगे एक बार जैफ विज़ोस आप जानती है जैव विज़ोस को ओके कौन नहीं जानता जैफ बिजोज को तो जैब बिजोज ने एक बार पूछा साहब आपसे कि uh, कि मार्केट में आपकी सिंपल स्टडी है ओके okay, आपका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा कुछ नहीं है कि आप uh, ऐसा कुछ बताते हो कि जो फॉलो ना कर सके लोग तो यहाँ पर आपका कोई ऐसा मंत्र भी नहीं है कि uh, जिस जिसके बारे में लोगों को पता ना हो तो वरुण प्रोफेट साहब से उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि और पूछा कि लोग यहाँ पर पैसे क्यों नहीं बना पाते तो जब वरुण प्रोफेट साहब का आंसर क्या होगा आप बताइए तो यहाँ पर अपना जवाब नीचे जरूर लिखेगा तो वरुण बफेट साहब ने सिंपल कहा वो पैसा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए बहुत जल्दी ओके दे वांट टू मेक मनी सो अर्ली मतलब आज इन्वेस्ट किया तो कल उन्हें एक लाख के दो लाख चाहिए परसों उन्हें दो के चार चाहिए फिर चार के बाद आठ चाहिए इसलिए वो मैं पैसे नहीं बना पाते बट मैं यहाँ पर बिने बिलेनियर हूं ओके जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पर टाइम दिया है किसी चीज को तो यहाँ पर जब आप टाइम देंगे ना तो यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा अब मैं आपको एक्जाम्पल देना चाहता हूँ मेरा एक क्लाइंट है ओके okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लाइंट क्या होते हैं okay, है, तो पैने है, एक एक दिया पैनी स्टॉक्स का ऑलरेडी आपको पता ही है क्या किया जाता है तो मैंने उसे सलाह भी दी बाय डिप्स करना है ओके बाय ऑन डिप्स करने के अलावा ओके okay, उसे यहाँ पर उस स्टॉक्स को लगभग तीन से छह महीने के लिए होल्ड करना है ताकि उसका जो हमारा टारगेट है ऑलवेज आपने हमारी वीडियोस देखी होगी जितनी भी वीडियोस देखी होगी तो मैं टारगेट बताता हूँ कि 20 परसेंट से 30 परसेंट हमारा निकल जाए तो पैसा बन जाएगा तो यहाँ पर स्मॉल कैप पेनी स्टॉक्स है तो पेनी स्टॉक्स में होता क्या है पेनी स्टॉक्स में होता है कि वो गिरते भी तेज है और भागते भी तेज है तो यहाँ पर मैंने उसे लगभग uh, लगभग सैंतीस रुपए पर वो स्टॉक्स बताया ओके वो सैंतीस रुपए में मार्केट गिर रही थी ओके okay, तो मार्केट गिरने के साथ केवल और केवल तीन रुपए यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया वो स्टॉक्स सैतीस रुपए से चौतीस रुपए पे आ गया और चौतीस रुपए पे उसने स्टॉक्स को सेल कर दिया और मैंने उसे कह रखा था तीन से छह महीने देने तीन से छह महीने देने चिल्ला चिल्ला के कहा था और बोला था कि इस स्टॉक्स को मत बेचना ओके okay, कोई इशू नहीं है गिर रहा है गिरने दो और यहाँ पर उसने चौतीस रुपए पर वो स्टॉक्स बेचा यहाँ पर उसने स्टॉक्स बेचा आज उसकी कीमत कितनी है आज उसकी कीमत है आज ही उसने दोबारा हाई लगाया और फोर्टी सेवन रुपीज पे वो चल रहा है कल मार्केट खुली खुलेगी तो वो दोबारा भागेगा और फिफ्टी सिक्स रुपीज का टारगेट है तो उसने अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर आ, उसमें पर्टिकुलर स्टॉक्स में यहाँ पर लूज कर दिए जस्ट बिकॉज मार्केट गिर रही थी इसलिए वो यहाँ पर पैसा नहीं कमा पाए क्यों क्योंकि वो मार्केट में जैसे ही गिरती हुई नजर आती है ना मार्केट तो वो यहाँ पर बेचते हुए नजर आते हैं क्लाइंट के साथ यही होता है ओके वो किसी की राय नहीं मानते वो मार्केट के एक्सपर्टीज होते हैं या कोई भी जो उन्हें सलाह देता है तो इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना है, अगर आप पैसा कमाना चाहते मार्केट really तो यू शुड है याद रखिएगा पेशेंस होना बहुत जरूरी है गिरती हुई चीज को यहां पर बेचना नहीं होता गिरती हुई चीज को या तो खरीदना होता है या होल्ड करना होता है यही सिखाते हैं कि जब लोग डरे हुए हो हो तब 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 खरीदना है 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 और और जब लो selfish, जब लोग बची पर जब पर बेचनी होती है, तो तो क्या क्या होता 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 कि हमें क्या करना होता है? हमें करना करना हमारा पैसा बनेगा तभी तो हमारी स्विंग होगी। स्विंग होगी में आप जहां पर देखेंगे जितने भी स्टॉक्स आपको यहाँ पर बताया आपको यही बताया कि किस तरीके से नीचे यहाँ पर स्टॉक्स को खरीदना है और मोस्टली एक दो परसेंट की मैं बात नहीं करूंगा ओके okay, मैं ज्यादा बड़ी बात भी नहीं करूंगा तो एक परसेंट को छोड़ के ओके okay, यहाँ पर पाँच परसेंट को भी छोड़ देते दस परसेंट को भी छोड़ दे, okay, 90 देते हैं ओके नाइनटी परसेंट स्टॉक्स मेरे ऊपर जाते हुए दिखाई देते हैं क्यों क्योंकि मैं इस रूल को फॉलो करता हूँ आई बाय इन दिस लेवल यहाँ पर नीचे बाई करता हूँ और ऊपर सेल करता हूँ बट रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं बाई हाई सेल लो वो ऊपर यहाँ पर बाई करते हैं ओके okay, मार्केट गिरने लग जाती है तो यहाँ पर बेच देते हैं ओके okay, और जब मार्केट भागने लग जाती है फिर दोबारा यहां पर यहां पर बाई करते हैं फिर यहां पर मार्केट गिर जाती है तो चीजें यहां पर खरीदनी होती है जब गिरती है तब खरीदते हैं यहां पर गिर रही है तो खरीदना है बेचना नहीं है और जब चीजें ऊपर जाती है ओके तो तब तो यहां पर खरीदना नहीं होता क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं कि हमारी रैली छूट जाएगी तो यहां पर खरीदना शुरू कर देते हैं और जब वो यहां पर खरीदते हैं फिर चीजें यहाँ पर गिरती हुई नजर आती है ओके फिर यहाँ पर डर लग जाता है उन्हें और डर के मारे फिर बेच देते हैं वो पेशेंट नहीं रखते नंबर वन बात और दूसरा ये चीज़ फॉलो नहीं करते बाई लो सेल हाई हमारी हर में जाके देखिए अभी मैंने आपको बताया था एम क्लाउड यहाँ पर मैं कुछ दोबारा आपको बार बार स्टॉक से रिलेटेड बता रहा हूँ एम क्लाउड मैंने जोर जोर से चिल्ला के आपको बोला था कि शेयर खोल लीजिए बेहतरीन स्टॉक्स है से कुछ दिन पहले यहाँ पर वीडियो बनाई थी 63% के रिटर्न यहाँ पर मिल रहे हैं ओके okay, और कितने लगभग लब लब एक से डेढ़ महीने के अंदर अंदर चलो एक से डेढ़ में भी मिलते हैं ओके चौरानवे रुपए पे यहाँ पर वीडियो बना के आपको दी थी यहाँ पर खरीदी आज कितना है तीन सौ पैंतीस आपको स्टॉक्स कितने पे बताया था आपको हैप्पीएस्ट माइंड कितने पे बताया था आपको आई कितने पे बताया था मैंने आपको

खरीदेंगे और यहाँ बेचेंगे तो फिर यहाँ पर आप पैसा बिल्कुल नहीं बना पाएंगे तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिए कि आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं आपके पास इतना पैसा नहीं है बड़े बड़े लोगों से आप जीत नहीं पाएंगे तो आपको वो चीज समझनी होगी तो यहाँ पर एक कहानी और बताना चाहूंगा आपने म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना होगा ओके म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं म्यूचुअल फंड्स पैसे लेते हैं पैसे लेने के बाद यहाँ पर पैसा बना के देते हैं ओके okay? तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड्स एक किसी ने पूछा कि म्यूचुअल फंड्स ने कितने साल का रिटर्न बनाया तो इसने बताया कि हमने पंद्रह परसेंट का एनुअली रिटर्न बना के लोगों को दिया है ओके okay? बट यहाँ पर अगर देखा जाए म्यूचुअल फंड ने तो पंद्रह का रिटर्न कमाया बट रिटेल इन्वेस्टर्स है जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने कितने परसेंट का रिटर्न कमाया माइनस का रिटर्न ओके म्यूचुअल फंड ने तो 15 परसेंट पॉजिटिव कमाया रिटेल इन्वेस्टर ने माइनस चार परसेंट नेगेटिव कमाया इसके पीछे का रीजन क्या था इसके पीछे का रीजन ये था कि जब यहाँ पर मार्केट गिरती हुई नजर आई तो यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर चीजें यहाँ पर बेच दी ओके okay, यहाँ पर ऊपर के लेवल पर बेच दी और फिर जब ये नीचे से दोबारा ऊपर भागती हुई चीजें नजर आई तो उन्होंने यहाँ पर करी दी तो यहाँ पर उन्हें जो प्रॉफिट होना था ना वो प्रॉफिट नहीं हुआ उन्हें यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिखाई दिया और ये सबसे बड़ा एग्जांपल 2020 का कोविड है जिसमें हमें ये दिखाई दिया कि किस तरीके से मार्केट गिरी थी और भागी थी तो इस चीज को समझने की कोशिश करे इसी चीज में दोबारा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी फिफ्टी ये देख लीजिए कोई भी देख लीजिए तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि चीजें यहाँ पर देखिए गिरती हुई नजर आई तो लोगों ने यहाँ पर खरीदा था यहाँ पर फंसे हुए काफी लोगों ने यहाँ पर सोच रहे थे और रैली होगी तो यहाँ पर चीजें गिरी अब यहाँ पर मौका मिल रहा है तो यहाँ पर खरीद नहीं रहे हैं यहाँ पर लोग यहाँ पर बेच के निकल रहे हैं बट थोड़े दिन बाद जब एफ दोबारा आना शुरू होंगे यही रैली दोबारा यहाँ पर बीस की जाती हुई दिखाई देगी तब पैसा बनता हुआ नजर आएगा तो आपके ऊपर डिसाइडेड है कि आपको क्या करना है तो दो मंत्र याद रखिए सबसे पहले पेशेंस रखना सीखिए दूसरी बात यहाँ पर बाई आपको करना है नीचे लेवल पर सेल हाई करना है कोई भी चीज ऊपर जाती है तो नीचे आती आती है इस चीज को याद रखिए है और इसी के बेस पे यहां पर पैसा बनता है तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहती कोई भी नहीं देगा बट चीजें सीखनी पड़ेगी और सीखने के लिए वीडियोस देखनी पड़ेगी और ये भी नहीं कर सकते तो ये सिंपल यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर दे रखा है कांटेक्ट करिए ओके किस तरीके से चीजें कहाँ पर लेनी है बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं बहुत सारे लोग पैसा बना रहे हैं ओके चीजें अभी हमने दोबारा दिलाई है लोगों को और यहाँ पर लोग यहाँ पर जब ये चीजें भागती हुई दिखाई देंगी तो पैसा बनता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर वीडियोज को देखिए हमसे कॉन्टैक्ट करिए यहाँ पर ही वीडियो खत्म करते हैं और हमारे जितना हो सके लाइक करे कमेंट करे शेयर करे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस